नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। टीकमगढ़ में ओबीसी महासभा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की गई। इस दौरान ओबीसी महासभा ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने वालों में ओबीसी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, एडवोकेट गिरजा यादव, राम सिंह यादव, जैकी यादव, लखन रेखवार आदि सम्मिलित हैं। मेरा कमलेश कुमार यादव नाम, युवा यादव महासभा से जिला अध्यक्ष हूँ मैं। टीकमगढ़ आज ज्ञापन किस संबंध में देने आए थे? आज हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए ज्ञापन दिया हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है उसमें हम लोगों का जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है उसको आरक्षण हमें दिया जाना चाहिए। कितना परसेंट चाहते हैं आप लोग? हमें 51% आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या अभी नहीं मिला है? क्या अभी नहीं मिला है? इन लोगों ने अभी 27 अभी ख़त्म कर दिया है। पहले 27% था उसको अभी ख़त्म कर दिया। तो आप कहाँ देने आए थे ज्ञापन? कलेक्ट्रेट आए हुए हम लोग ज्ञापन दे रहे, दिया हुआ है अभी हमने। और हम लोगों की मांग है, अगर हम लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया तो हम लोग इसको लेके आगे आंदोलन भी एक करेंगे। टीकमगढ़ से खबर समय जगत के लिए परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।